हाँ हम लोग कैसा रिस्पॉन मिला है, कैसा रिस्पॉन यार, कैसा स्पॉन है यार पेड़ों के ऊपर। ओ आ गए तुम लोग। तो है गाइस व्हाट्सअप, मैडम फ्रूटी आ रहा हूँ, स्वागत है हमारे चैनल मोबाइल गेमर नहीं फ्रूरा गेमर पे। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं अर्थ क्राफ्ट, और यहाँ पे ये हम नए वर्ल्ड में आए हैं और सामने मुझे कोल दिख रहा है और मैं हुआ हूँ स्पॉन एक पेड़ पे। तो ऑफ कोर्स हम लोग पेड़ पे तो रहने नहीं वाले, जल्दी से लकड़ी इकट्ठा करते हैं हम लोग। सो गाइस अभी सारी एक लकड़ी इकट्ठा करके मिलता है। सो गाइस आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास है 11 बिर्च की सब, मतलब 11 बिर्च क्या है बिर्च सप्लाई, हमारे पास 11 बिर्च वुड और 6 ओक वुड। सो यहाँ से अभी हम लोग एक पिक देखा था मैंने, खाना पीना भी जरूरी है। सो यहाँ से अभी हम लोग जल्दी से यहाँ पे प्लैंक्स बना लेते हैं ढेर सारी है, वो भी तो आएंगे यहाँ पे से। ये बन गए, इन्हें भी बना लेते हैं, ये भी बन गए, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा है। तो हम लोग बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, एक क्यों दो तीन बनाएंगे, उसके बाद ढेर सारी स्टिकें बना लेंगे। यहाँ रखेंगे क्राफ्टिंग टेबल, इसमें घुसेंगे, यहाँ गए, यहाँ मिल जाएंगे तीन तीन स्वॉर्ड, दो तीन पिकैक्स, दो दो एक्स, वो भी जरूर ज़रूरत नहीं है ले लेते हैं, और बाकी एक पिकैक्स और। यहाँ से डंडी हमें हाथ में नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक एक्स। सो गाइस मैं थोड़ा रोक दिया था क्योंकि मैं गया था कुछ काम से नीचे, तो यहाँ हमारे पास आ चुके हैं काफ़ी सारे लकड़ी, पर फिर भी हम लोग लेके जाते हैं, अगर बीच में रिसोर्सेस ख़त्म हो गया डेजर्ट आ गया तो ख़त्म कहानी। सो आज हम ये करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में एक नई शुरुआत, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी मोड़ी लकड़ी ले ली है, बाकी यहाँ से भी उठा ही लेते हैं लकड़ी। ये रहा सुअर का बच्चा, यही भाग रहा था। अरे यार मैंने इसे बिर्च क्यों कर दिया यार, बेकार की एक्स की हेल्थ चली गई और ऊपर से एक इन्वेंट्री भी हो गया। खैर कोई नहीं गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे ढेर सारा वुड इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पे रात भी हो रही है तो मुझे जल्दी से सीप्स को मारना होगा, सीप्स खोजना पड़ेगा। बाकी रिसोर्सेस तो हम लोग बाद में भी इकट्ठा कर लेंगे, पर कोल मिल रहा है उठा लो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खैर अभी यहाँ से जंप करते हैं। ओ भाई ये क्या हुआ, ओके यहाँ पे मछली है हमारी, पट्ट से लेंगे इस पट। अरे मर भी जा, यहाँ पे तो फंस गई है मछली, यहाँ ये लो तू भी गई, तू भी जाएगी, तू क्या बचेगी, तू नहीं बचेगी रे बाबा। तो हमारे पास आ चुकी हैं यहाँ पे दो मछलियाँ, खैर दो ही काफ़ी हैं, और यहाँ पे यार एक और सुअर है ना, तू भी मरेगा। और यार यहाँ पे तो हमें बोट कौन मार रहा है, ओ नो ट्राइडेंट वाला कंकाल आ गया। अरे यार अब मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर यार, अपनी तो शुरुआत ही एकदम बेकार हुई है, कैसे करूँ क्या करें यार। एक घर बना लेते हैं पहले डट का, यहाँ पे पिकैक्स की जगह पे सवल निकालो चलो। बाकी ये जो प्लैंक्स बनाए हैं इससे हमको वेस्ट करना पड़ेगा, वेस्ट वहाँ जाते हैं ना। अरे यार खैर छोड़ो, यहाँ पे आ चुके हैं पानी में, और होप कि यहाँ पे कोई भी मतलब वो राक्षस मुझे मारे ना। ना सही जगह हो गए कौन। अरे यार ये मैं इतने पानी में क्यों गिर रहा हूँ, और यार यहाँ पे तो काफ़ी कोल है, ये हम लोग कल सुबह आएंगे लेंगे, फिलहाल तो अभी रात हो रखी है तो हमें ऊपर चढ़ना होगा। तो यहाँ पे एक प्लैंक और ऊपर पट पट, तो यहाँ से ऊपर का रास्ता हार्ड है थोड़ा,
यहाँ पर सब पार्ट पार्ट फट गया, तो हमें क्या, हमें तो दो कॉबल स्टोन्स मिल चुके हैं। अब बाकी यहाँ बनाते हैं हम लोग एक घर, घर बना लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारे एक डर्ट का घर बन चुका है, और मेरे पास जो थोड़े से टॉर्चेस थे मैंने लगा दिए हैं, तो बाकी सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सो जैसे ही मैंने सुबह हुई है नहीं हुई देखने के लिए, जैसे ही मैंने ये खोला तो वैसे ही मेरे पे एक विच ने हमला कर दिया। भाई क्या डेंजर चीज़ होती, और भाई मैं बचते बचा हूँ, बहुत गंदे वाला बचा हूँ मैं, और मुझे लगता है उसे मार के मुझे कुछ पोसा कुछ भी नहीं दिया यार। उस बिच ने मुझे मार भी दिया, मेरी हेल्थ भी ले गई, पर उस खड़ूस ने कुछ भी नहीं दिया यार। यहाँ के सभी कोई चोर है, बहुत चोर है। अरे यार किधर से प्लेस करे, तो यहाँ से आ चुके हम लोग बाहर, और अभी यहाँ पे कुछ तो होगा, यहाँ बिच का घर होना चाहिए, तभी बिच ने हम पर हमला किया है। वैसे हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है खोजने की, बट फिर भी हमें एक बेड बनाना होगा यार, बेड बनाना ही होगा हमें, और यहाँ से कोल भी हम लोग थोड़ा इकट्ठा कर ही लेते हैं। सो इस यहाँ पे तो हमने काफ़ी सारा स्टोन भी ले लिया, और हमारे पास 8-8 कोल भी आ चुके हैं, और हमें यहाँ पे भेड़ भी मिल चुकी जिससे हम अपना बेड भी बना पाएंगे। सो अभी यहाँ पे हम लोग आराम से इसको पट 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 पट, ये गया, ये भी गई, और अब एक और भेड़ और बो रही चारा। यहाँ पे कोल है तो इसको भी उठाएंगे हम लोग। यहाँ पे दो भेड़ हैं तो एक एक्स्ट्रा बुल भी आएगी हमारे पास, ये ले। और भाई ये तो उल्टा हो गया, स्कैम हो गया। और यहाँ पे एक और भेड़ डाल लो, हमें क्या है, बच्ची को भी नहीं छोड़ने वाले, बच्ची छोड़ देंगे। भाई क्या नॉकबैक हुआ है, तू क्या देख रही है, तू भी निकल। बच्चे की कितनी हेल्थ होती है यार। बाकी अब यहाँ से हम कोल और एक और भेड़ है उसको भी उठा लेंगे, पहले यहाँ से कोल उठाते हैं। और मेरा खाना कम हो चुका है, तो जिससे लिए जल्दी से हम लोग फर्नेंस बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल निकालो, फर्नेंस बनाओ। एक आ चुकी है हमारे पास फर्नेंस, और फर्नेंस से ये इसको यहाँ लिया, इसको लगाया हमने यहाँ, इसमें डाला हमने खाना, यहाँ पे डाल दिया हमने खाना, और अब नीचे डाल देते हैं हम लोग फ्यूल। अब ये कुक होगा, बाकी है ये, यहाँ मटन डाल देते हैं हम लोग, और अभी चलते हैं यहाँ से खाना खा लेते हैं ज़रा सा, इस भेड़ को भी लपेट लेते हैं। पट लग जा आ ये गई। सो यहाँ से तो हम लोग काफ़ी रिसोर्सेज इकट्ठा कर चुके हैं, और अब तो हमें कुछ और वहाँ पे यहाँ आसपास कहीं कोल है भाई साहब, और भी कोल पड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग और कोल है, तो यहाँ से जल्दी से उठा लेते हैं। ऐसा है कि वो लग रहा है यहाँ पे कुछ होगा, मेरा पिकैक्स टूट जाएगा यार, लग रहा है, हाँ लग ही रहेगा, होने वाला है वो, लग रहा है यार। ये बहुत स्लो माइन कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से स्टोन का पिकैक्स बना लेंगे, स्टोन का पिकैक्स वॉड, ये सिंपल वुडन की चीज़ें फेंक डालेंगे। हाँ जल्दी जल्दी टूट जा, वहाँ मेरा खाना भी बन चुका होगा। यहाँ पे हम लोग कोल जल्दी से और ले लेते हैं, ऊपर से बस कोई क्रीपर ना फट जाए। तो यहाँ हमारे पास आ चुका है टोटल 23 कोल, तो यहाँ पे ये काफ़ी कोल है भाई। सो जल्दी से यहाँ से निकल, भाई मैंने कहाँ रखा था अपना फर्नेंस, ये रहा। ओके तो यहाँ और भी ज़्यादा खाना है, और सिर्फ कहाँ बच के जाएगी मेरे से, पट पट भाई गई, और एक गई गई, ये पानी में घुस गया। खैर
तू तो मरेगा। अरे भाई भाग किधर रहा है? और यहाँ और भी कोल है, और कोल उठा लेते हैं। मैं तब से सिर्फ कोल ही उठा रहा हूँ यार। अपना खाना अब तक मेरे ख्याल से बन गया होगा और कोल वेस्ट हो रहा होगा अपना। हम लोग जल्दी से यहाँ से एक्सपी उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब अपने पास बेड है तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत। और यहाँ पे स्टिक्स हैं क्या? नहीं है, स्टिक्स ही नहीं है। तो जल्दी स्टिक बनाओ। यहाँ से एक स्टोन की स्वॉर्ड, एक स्टोन की पिकैक्स और एक सवल और एक एक्स, ये ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग इसको भी बना लिए ढेर सारा। और अब बाकी यहाँ पे भी शाम हो रही है शायद, तो यहाँ पे से हम लोग जल्दी से यहाँ पे ये वाली स्वॉर्ड को हटा कर यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक एक्स, एक्स है वैसे इन्वेंट्री में फिलहाल। से यहाँ से खाना भी ले ही लो, यहाँ ले लिए खाना। अब बाकी यहाँ से जल्दी से हम लोग निकलना पड़ेगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं, जल्दी टूट गया। सो यहाँ पे हमारी 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है। और यहाँ पे जल्दी से हम लोग खाने की जगह ले लेते हैं पिकैक्स, और पिकैक्स से हम लोग तोड़ लेते हैं इसको और बेड लगा लेते हैं जल्दी से यहाँ पे। भाई मैंने तो अपना बेड ही क्राफ्ट नहीं किया। ओ शिट, ओ शिट, जल्दी से एक बेड बना लेते हैं हम लोग। एक बेड बन चुका है, तो इन्वेंट्री से हम लोग बेड निकाल कर लेते हैं और यहाँ लगा के सो जाते हैं। जो टू बेड इज टू फार अवे, अरे सो जा यार। अब हो गई इस, तो हम फाइनली सो चुके हैं यहाँ पे। हमारा अपॉइंटमेंट सेटेड है और गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पे ये वाली सीरीज ही कंटिन्यू होते रहेगी। अगली वीडियो में हम लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे। और मैं बता दूँ, मैं कोई चिट्स विट्स यूज़ नहीं करता। और वहाँ सामने एक खाली एरिया है। तो गाइस अगली वीडियो में, अभी तो मैं उधर जाऊँगा, मुझे वीडियो इतनी लंबी नहीं करनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और शीप्स भेड़ जितना बेड हो सके मैं उतना सारा बना लूँगा, ताकि हम लोग, क्योंकि भाई हमें बेड अपना बना ही रहना चाहिए। सो गाइस आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और लाइक करना मत भूलिएगा।